हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। ये सेशन बेसिकली मैंने डिस्कशन के लिए लाया, जो हमारा नया कोर्स आ रहा है, दैट इज 60 डेज जनरल स्टडी प्लानर। ये जो भी बच्चा एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें हम 60 डेज में कंप्लीट जीएस करेंगे, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको ये कोर्स कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये सब कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा बाय नहीं करना चाहता तो वो खुद से प्लान बना के, अगर उसने पहले कहीं से पढ़ रखा है तो वो खुद से कैसे पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही नोट्स बाय करके पढ़ो, अगर आपने पहले से कहीं रीड आउट कर रखा है तो आप रिवाइज भी पर्टिकुलर इस टाइप से कर सकते हो, ताकि आपकी रिटेनिंग पावर ज़्यादा रहे और आप अच्छे से एमसीक्यू लगा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करती है। तो मैंने ये कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन करा है, जो कि हमारे अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम, जैसे सीजीएल आने वाला है, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर जो भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए। इसमें कंप्लीट थ्योरी रहेगी विद एमसीक्यू, यानी कि अगर एक टॉपिक करवाया जाएगा, यानी कि उसका आप पीडीएफ मिलेगी, यहाँ पे कोई भी वीडियो रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, सेल्फ पेस या सेल्फ लर्निंग ये प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, इसमें हमने जैसे हिस्ट्री मैंने आपको बताया, पॉलिटी एंड जियोग्राफी, देन इंडियन इकोनॉमी, हमारा ये शेड्यूल हम इस टाइप से कवर करेंगे। ये 10 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई ये वीडियो बाद में देख रहा है तो याद रखिए 10 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो एग्जैक्ट 60 डेज में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 19 दिन लगाएंगे टोटल इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करने में। ठीक है, इसमें हमारा डे 1 में हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, डे 2 में वैदिक पीरियड, डे 3 में महाजनपदास, फिर हम सिमिलर वेज में इस तरीके से। ये जो कंप्लीट शेड्यूल है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अपना। अगर किसी बच्चे ने कोर्स बाय नहीं करना है, वो खुद से तैयारी करना चाहता है इसके अकॉर्डिंग, उसने पहले से पढ़ रखा है, और अगर आपको कोर्स बाय क्यों करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ रखा है, या फिर जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया आपको उस तरीके से रिटेनिंग पावर आपकी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, तो वो देख सकते हो। तो टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन करना है, दैट इज @ParamountPSC, ParamountPSC। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको कंप्लीट कोर्स का, या जिसमें हम ये पूरा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लानर डाल रहा हूँ, तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने 18 दिन लगाए हैं अपने कंप्लीट हिस्ट्री को करने में, जिसमें डे 19 पे हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब इसमें कैसे मिलेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा स्लोली स्लोली कंप्लीट वीडियो में। ठीक है, देन हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जो हमारे डे 20 to 37 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 17 डेज लेगा हम पॉलिटी कंप्लीट करने में। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हम थ्योरी करेंगे प्लस एमसीक्यू होंगे, तो अगेन आप खुद से भी चाहे तो ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, 37th डे पे हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे इंडियन पॉलिटी को। देन हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, दैट इज 38 से 52 में। यहाँ पे सिंपल इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ जो हमारी एसएससी के लेवल में ज्योग्राफी आती है, दैट इज जैसे अर्थ आ गया, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, वेदर, लिथोस्फेयर, ये जो टॉपिक कुछ हैं ये जनरल ज्योग्राफी के भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन उसके बाद अगेन इंडियन ज्योग्राफी तो है ही है। तो 51 डेज आते आते हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। पर डे आपको 3 और देने पड़ेंगे खुद प्रैक्टिस करने के लिए, एट मिनिमम 3 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 और लगेंगे। अगर आप कंप्लीट ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो आपकी हिस्ट्री 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, और 52 डेज में आप ज्योग्राफी को रिवाइज करोगे। ठीक है, देन हम इकोनॉमिक्स करेंगे डे 53 to 60 डेज पे। यहाँ पे कंप्लीट बताया शेड्यूल, एंड एक दिन सॉरी फॉर एक्स्ट्रा लगने के लिए, बट इसमें हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा शेड्यूल। अब मैं आपको बता दूं कि आपको नोट्स जो हमारी तरफ से मिलेंगे वो कैसे होंगे, आपको अगर बाय करना है तो क्या देख के बाय करना है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपकी रिटेनिंग पावर अच्छी है, आपको जस्ट रिवाइज करना है 60 डेज में, तो आप सीधा प्लानर डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोर्स बाय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, देन आई रिकमेंड यू कि आप बाय करिए, क्योंकि आप देखेंगे जो हमने ये कोर्स बनाया, हमने 11 पेजेस में कंप्लीट करा अपना
इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो मैंने थोड़ा सा स्टोन एज के बारे में बता दिया, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टोन एज के बारे में मैंने बता दिया वो यहाँ पे, ठीक है। देन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने ट्राई करा जो जो मेन चीज़ें ना उसको बोल्ड और डिफरेंट कलर में रखें, ताकि आपकी आंखों पे जब आप रिवाइज करो तो आपके आंखों में वो कलर अट्रैक्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को रिटेन कर सको। और मैंने ट्राई करा है कि जैसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जैसे सिटैडल क्या होता है, हाइट वाला हिस्सा, तो ये आपको कैसे समझ आए थ्रू अ इमेज, ठीक है। और लोअर टाउन कैसा होता है ये, तो मैंने ट्राई करा जहाँ जहाँ इमेजेस की ज़रूरत थी, जैसे बियर्ड प्रीस्ट, डांसिंग गर्ल, बुल सीन, तो वो इमेज से ट्राई करा। और जितना भी ट्राई करा मैंने टेबल की फॉर्म में ज़्यादा ट्राई करा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ये पूरी यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको इस टाइप का मटेरियल नहीं मिलेगा, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म एंड इमेजेस के हिसाब से या कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हिसाब से बताया जाए। आपको बुक मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा, उसमें सिंपल लिखा होगा ना, हाईलाइट नहीं किया होगा। मैंने ट्राई करा जो जो मेन चीज़ है, जो आपको आई कैची, आपको शॉर्ट नोट्स अगर बनाने पड़े तो आप उस तरीके से बना पाओ, ठीक है। जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम का, ये पूरा इस पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। ये है हमारे कुछ इस तरीके के हमारे नोट्स रहेंगे, जैसे ये देख सकते हैं आप कि मैंने इमेज ऐसी डाली जो आपको अट्रैक्ट करे, आप सोचने पे मजबूर हो जाओ, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हड़प्पा में क्या क्या था ये सारा यहाँ पर क्या है। तो यही अगर आप इतना भी हड़प्पा के बारे में पढ़ जाओगे ना, तो आपको मैक्सिमम 90% आप कवर कर जाओगे। और जो 10% रहता है तो वो हम MCQ, जो ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, हमने MCQ दे रखी है। MCQ भी ऐसे नहीं कि सीधे क्वेश्चन और आंसर दे दिया, विद एक्सप्लेनेशन, ताकि एक MCQ से आपके मिनिमम 4 से 5 MCQ निकल सके। सिर्फ MCQ नहीं होंगे यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन होंगी, ठीक है। ये मैक्सिमम TCS ने जो प्रीवियस ईयर कंडक्ट कर रखे हैं क्वेश्चन, वो दे रखे हैं, हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और ताकि आपको पेज पलट के आगे ना देखना पड़े। और हाँ, ये कंप्लीट प्रिंटेबल होंगे, जैसे ये 60 डेज का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, मैं कंबाइंड बना के एक बुक की फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। बट हाँ, रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता रहेगा, ताकि आप भी पढ़ते रहें रेगुलर बेसिस पे और हम भी पर डे अपलोड करते रहें। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा ये कोर्स है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखें यहाँ पे आपको कॉलिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी कोर्स के रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई एरर आ गया है उसको सॉर्ट आउट करना है, या फिर कोई भी और प्रॉब्लम। और जल्दी ही आपके लिए एक और सरप्राइज भी आने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड विद अस, ठीक है। और यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए, एक स्पेशल SSC का और एक VLW का ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है। तो आपको कोर्स कैसे बाय करना है, आपको ये वेबसाइट अपने ब्राउजर में डालनी है, www.paramountpsc.in, कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जैसे इस पे क्लिक करेंगे, होम पेज ये रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है माय डियर, यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अपनी डिटेल्स डाल के आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन विद गूगल भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। देन आपको ये देखो कोर्स दिख रहा है, वैसे तो कोर्स 350 है, 300 है, बट अभी कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन तक, मे बी 15th of April तक मैं ट्राई करूँ कि 150 का रहने दूँ, उसके बाद ये कोर्स 300 का हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक सिर्फ प्लानर अपलोड करा है। जैसे जैसे ये अपलोड होता जाएगा आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना कोर्स बाय करेंगे, यहाँ पे आपका माई डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओके, माई डैशबोर्ड का जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा, आपको वहाँ पे आपका बाय किया हुआ कोर्स दिख जाएगा। तो आप इस तरीके से ये कोर्स कर सकते हैं। अगेन, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे अभी सिर्फ प्लानर दे रखा है, तो प्लानर आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा हमारा कोर्स रहेगा इन 150। अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और ये हमारा क्या रहेगा, दैट इज आवर वेबसाइट का लिंक, ठीक है। और आपको टेलीग्राम ये ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको ये प्लानर मिल जाए। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी में ये कोर्स और आपकी हेल्प करे। टिल
टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।